विधानसभा का शीतकालीन सत्र और उसकी कार्यवाही आज हुई। प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को शपथ दिलाई है। 20 दिसंबर यानी कल राज्यपाल का अभिभाषण होना है और 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। विधानसभा में भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरह का घटनाक्रम दिल्ली में सामने आया था, उसके बाद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मेरा पहला दिन है। जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ यहां पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भेजा है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज गमछा बांध के आए, उसके पीछे क्या है? हाँ जी, मैं गमछा हमेशा बांधते रहा हूँ। आप लोगों ने भी देखा है, आज नए अंदाज में। हाँ बिल्कुल, मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है और इसलिए आज उसी वेश में। धन्यवाद दिया। और डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने ये प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, भूपेश बघेल, इन सभी ने समर्थन किया। रमन सिंह को आसंदी तक खुद चरणदास महंत लेकर पहुंचे। जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्रहवीं विधानसभा में, इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया।